डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग ए वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का, टेंजेंट एंड नॉर्मल. आज उसका बेसिक मैं क्लियर करूँगा. यहाँ केवल टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अब जस्ट लेट y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ये मैं कोई कर्व राइट कर लेता हूँ. y इज इक्वल टू एफ एक्स की देर इज़ वन कर्व. सपोज करो जस्ट मैं टेकिंग दिस इज माई कर्व, ये कोई कर्व है और कर्व पे ना इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स है. एवरी कर्व कुछ भी नहीं होता, कर्व कलेक्शन है इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स का. तो जब भी मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा, टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, कोई भी कर्व हो सकती है, अगर एक पॉइंट पे, ये क्योंकि टेंथ में तुमने किया था, ये टेंजेंट बोलते थे, अगर ऐसे निकलती थी दो पॉइंट पे काटती थी, हम उसको बोलते थे कोड या सीकेंट. सीकेंट बोलेंगे या कोड बोलेंगे. तो व्हेन आई से द टेंजेंट, तो इसका मतलब सबसे पहले एक पॉइंट का होना ज़रूरी है. भाई किस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, तो मैंने ये लेट अगर नहीं गिवन, तो वी आर गोइंग टू सपोज इट लेट एक्स वन एंड वाई वन इज़ अ पॉइंट एट विच वी हैव टू ड्रा द टेंजेंट, क्योंकि इन्फिनिट मेरी पॉइंट है. तो टेंजेंट ये मैंने ड्रा कर लिया, दिस इज़ माई टेंजेंट. ये पी हो गया और ये टी, ये टेंजेंट बन गया मेरा. और जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल. उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल. तो ये तो टेंजेंट है और ये बन गया नॉर्मल. जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोलते हैं. तो हमें एक रिजल्ट याद करना बेटे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा मैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट कहूँ या स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एनी कर्व ऑन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट व्हाट पॉइंट, एट एक्स वन वाई वन. क्या होगा ये फार्मूला, भाई मैं कर्व का ना डिवाबेडिक्स निकाल लूँगा और उसमें पुट कर दूंगा ये पॉइंट जिस पे निकालना है. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया उस पॉइंट पे, ये स्लोप आ गया टेंजेंट का. और अब मुझे निकाला स्लोप नॉर्मल का. एस एल का मतलब स्लोप से है. स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं पूरा लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव टाइम वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूंगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, इलेंथों में क्या था, जब उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, माइनस वन. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर है. तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ नॉर्मल को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस वन बनेगा. तो इसका उल्टा कर दो नेगेटिव टाइम, तो डी एक्स बाई डी वाई. इसके लिए भी उसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो फिर ये पॉइंट पुट कर दूंगा. तो ये वे हो गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का, दिस इज़ द वे. अब मुझे इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की. अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अरे वही तो जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी. वन पॉइंट फार्मूला क्या होता था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू में एक्स माइनस एक्स वन. ये मेरे पास इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट था. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताते नहीं थे क्या इलेवंथ में, ऐसा रिजल्ट नहीं था. काफ़ी स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट थे. ये भी एक रिजल्ट था, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड वेन द स्लोप इज गिवन. अब यहाँ पासिंग पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा था. इक्वेशन टेंजेंट की मैं क्या लिखूँगा, वाई माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी मेरे पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन, ये स्ट्रेट लाइन होगी. अब मुझे लिखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन नॉर्मल की बिल्कुल वही हो, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है. वाई माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लूँगा यहाँ जो भी होगा, इन टू मैं एक्स माइनस एक्स वन. ये था हाउ वी कैन राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब ये क्रैम टू मेमोरी, ये याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जनरली. सीधा रिजल्ट बताऊंगा. अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूँ ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है टी एम, इसको बोलते हैं सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. क्या लिखा रहे मैंने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. सब टेंजेंट उसका एक फार्मूला याद कर लीजिए बेटे, वाई अंडर रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वेयर. ये बनेगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. सब टेंजेंट मतलब ये टी एम की लेंथ आ गई. वो मेरे पास ये लेंथ ऑफ, ये इसको बोलते हैं सब टेंजेंट टी एम को. और जो यहाँ एम से लेके और ये कोई पॉइंट क्यों है, इसको सब नॉर्मल बोलते हैं. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अगर मुझे कहीं निकाले, कंपिटिशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, वाई अंडर द रूट वन प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, इसका
होल स्क्वेयर, ये एक्चुअली मैंने ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली है, सब टेंजेंट हटा देता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये तो पीटी था बेटे, और ये लेंथ ऑफ क्या निकाला था, सब नॉर्मली पूरा नॉर्मल था, और नॉर्मल था मेरा पी क्यू, तो मैंने ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट की है, लेंथ ऑफ नॉर्मल की है। अब लिखूँगा लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब लिखूँगा बेटे, पहले तो मैंने टेंजेंट की लेंथ लिखी थी, वो पी टी निकाला था। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेके इसको डिफाइन करके अगर मैं निकालूँ और ये मैं एंगल मान लूँ थीटा वीटा, तो यही रिजल्ट बनेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने सब टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, मोड लगा दिया वाई इंटू में डी एक्स बाई डी वाई। अगर मुझे लेंथ निकालनी है सब नॉर्मल की, सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, अरे मैं वाई को मल्टीप्लाई करूँगा डी वाई बाई डी एक्स से। तो दैट इज़ द वे बाई विच वी हैव टू रिमेंबर। ये जनरली कंप्यूटर क्लासेज में आता है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब मैं कुछ नोट याद करेंगे, क्या है नोट, नोट में करेंगे यहीं, क्या है फर्स्ट नोट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं कहूँगा इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, मैं कहूँगा व्हाट विल हैपन्स, तो मुझे बताओगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूँगा इफ टेंजेंट कहीं भी पैरेलल है।